सो आज अपनी बाइक जा रही है एंड लास्ट वीडियो ये मेरा बिकॉज इस बाइक पे लास्ट वीडियो है। बाकी अभी तो सोचा नहीं बिकॉज अभी बेचना पड़ा है इसको क्योंकि कंडीशन अभी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है फाइनेंशियल। एंड बाइक अपनी आज लास्ट राइड अपन ट्राई कर सकते हैं। बाइक सेल कर दी है मैंने एंड आज लास्ट राइड एंड लास्ट बार आप देख लो इसको, फिर ये नहीं दिखेगी आपको और भी वीडियो में। एंड बाकी तो देखेंगे यार, अब वीडियो शायद बंद भी हो सकती है बीच में क्योंकि अभी मेरे पास गाड़ी है नहीं, एक ही बाइक है और मुझे भी अभी थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा ना फिर आप बोलोगे कमेंट में कि धीरे बोलते हो। तो यार ये लास्ट वीडियो है तो आप इंजॉय जरूर करना एंड प्लीज़ यार ये अपनी बहुत प्यारी सी बाइक थी वो जा रही है आज एंड आप देख सकते हो फाइनली क्या कर सकते हैं यार। मतलब एक तो इमोशनली टच होता है यार बहुत, मतलब होता है ना पर एक दिल से प्यार करते हैं अपनी बाइक को और सेल करने का मन नहीं करता तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो सेल करना ही पड़ता है। तो यार अब क्या कर सकते हैं, सेल करना ही पड़ेगा अपन को एंड आज शायद सेल हो जाएगी क्योंकि आज मतलब डील वगैरह तो हो गई थी, बाकी पेमेंट वगैरह आज हो जाएगी। बाकी दिल पे पत्थर रख के बेचना पड़ रहा है यार, बहुत प्यारा बहुत अच्छी अच्छी राइड करी थी हमने बाइक के साथ, ये हमारी बाइक के साथ हमने बहुत अच्छी अच्छी राइड करी थी एंड बहुत मतलब एक ही बाइक है ये इस एरिया की जो मॉडिफाइड है पल्सर 125। मैं सोचा था कि इसको और ज़्यादा मॉडिफाइड करूँ बिकॉज मतलब होता है ना कि ऑल ओवर राजस्थान में शायद एक बाइक हो तो, बट फिर वो बीच में रह गया, क्या कर सकते हैं। एंड बहुत सारा इशू प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो बंद करनी पड़ी थी मुझे, सेल करना पड़ रहा है मजबूरी है। बाकी मैं यार सेल नहीं करता, मैं तो बहुत अभी इतनी प्यारी सी बाइक मन नहीं करता यार ऐसे देने का। गाइस एक लास्ट राइड ले लेते हैं इसकी एंड फिर अपन कंटिन्यू करेंगे लास्ट राइड रहते हैं, मतलब जब भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रहेंगे वो सबमिट कर करा के जिनको सेल करनी है वो जल्दी से कर करा के फिर अपन एक राइड लेके फिर बस बाय करेंगे अपनी बाइक को। बिकॉज यार मन नहीं लगता मेरा एक तो बाइक के बिना, मुझे बहुत मतलब होता है ना वो बाइक से प्यार है, क्या कर सकते यार गाइस। चलो कोई बात नहीं यार, फर्स्ट बार आपको बाइक का साउंड सुना देता हूँ मैं, साउंड चेक गाइस साउंड चेक। एंड पीछे मैंने लाइट भी लगाई थी यार इतने प्यार से, रेड है बहुत प्यारी लगती है रात को। अभी आप एग्जॉस्ट नोट सुनो, सो गाइस अब चलते हैं पेपर वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा एंड डॉक्यूमेंट्स सारे फिल करके मतलब नाम ट्रांसफर वगैरह हो चलते हैं। एंड बहुत यार इतना मिस करूँगा मैं बाइक को, मतलब मेरे पास एक ही बाइक थी वो भी बहुत मैं केयर करता था, आप जानती हो जो भी राइडर्स होते हैं वो अपनी बाइक को कितना केयर करते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट में कुछ बोलना मत कि आपने क्यों सेल करी कितने में सेल करी, बिकॉज ये सब गाइडलाइंस के खिलाफ होता है इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको कमेंट में। सो अब ये अपन RTO आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट थोड़े और सबमिट कर लेते हैं वो रही अपनी बाइक लास्ट बार देख लो यार, और यहाँ पे ही करवाते हैं अपन, ये चाचा का ही है अपना। सो गाइस यार स्कूटी पे आ गए अपन, ये हालत हो गई अपनी मतलब स्कूटी पे आ गए कि अपनी बाइक यार सेल करनी पड़ी, मजबूरी भी थी ऊपर से कुछ प्रॉब्लम भी थी। सो गाइस मेरा कोई मोटिव नहीं था मतलब कि बाइक सेल करना ज़रूरी है, बट यार क्या करें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दुनिया भर की प्रॉब्लम मेरे साथ ही आती है। तो अपन भी खींच लेते थोड़ी सी स्पीड अच्छी, बाकी हाँ यार रवा बाइक को मुझे वीडियो शूट करना था बट आगे निकल गई। सो गाइस अभी फाइनली न्यू नहीं सोची एंड सेकेंड हैंड भी अभी नहीं सोची 2-3 महीने बिकॉज अभी कंडीशन नहीं है, आपको बताऊँ कैसे, आप लोग कमेंट में करोगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू बाइक लोगे अब भाई ले लेते यार, बट अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है इसलिए मैं क्या कर सकते। सो गाइस तो गाड़ी हुई इनकी और अपन हुए एक्टिवा राइडर्स लिखेंगे 47 राइडर्स, अभी बाकी नेम्स वगैरह समटेंगे यार कैसा लुक वाइज यार स्कूटी पे जम ही नहीं रहा, इस जगह बाइक होती मेरे पास तो कैसा लगता, बट यार एग्जॉस्ट लगा रखा है तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि एग्जॉस्ट क्यों लगा रखा है साउंड के लिए, बट हाँ इनको डीबी किलर वगैरह सब क्लियर करके देंगे बिकॉज आगे जाके रिक्स ना हो ज़्यादा। बाकी 2 एक्रोपाविक लगवा रहा था मैं पिछली बार और नेक्स्ट प्रोजेक्ट शायद मैं आपको बता दूं, मैं इस पर ट्विन्स एग्जॉस्ट लगा रहा था। रिएक्शन चेक करोगे क्या पब्लिक का,
अब तो मैं क्या दिखाऊंगा, देखो पब्लिक का खुद ही रिएक्शन देख लो आप बाइक पे। बाकी धीरे चलने में भी अच्छा साउंड आ रहा है एंड एग्जॉस्ट भी सूट कर रहा है यार। अब क्या रहूँ क्या यार, रुलाएगा क्या? ओके बोलते बोलते यार ये भगा नहीं रहा यार। चेक साउंड। सो गाइस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल हो गए थे एंड बाइक सेल हो गई एंड वो ले गए। तो यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, एक राइडर ही जानता है मतलब उसकी बाइक सेल होती है तो उसको कितना बुरा लगता है, वो भी फर्स्ट बाइक थी। तो कोई बात नहीं यार, अपन थोड़ा टाइम वेट करेंगे बिकॉज अभी तो देखो कोई सोचा नहीं है मतलब गाड़ी वाड़ी का, बिकॉज अभी कंडीशन ही ऐसी चल रही है। फिर पापा ने बोला था कि सेल कर दे बाद में देख लेंगे अपन, तो होते यार बहुत बुरा लग रहा था। अब खाली खाली है, तो देखो गाड़ी खड़ी रहती थी मेरी यार, एक क्या करे, कोई बात नहीं यार चलो। अभी 2-3 दिन तो भूलने में टाइम लगेगा क्योंकि यार मज़ा आता था यार बाइक के साथ। कोई बात नहीं यार गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहो आप यार, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो वीडियो, बिकॉज अभी कम सब्सक्राइबर है तो कोई भी पूछता है तो मैं बताता नहीं हूँ। बिकॉज यार जब थोड़ा बहुत के 10K तक या थोड़ा समथिंग 11 तक पहुँच जाएंगे तब अपन थोड़ा रिवील कर देंगे, बिकॉज अभी तो कोई चांस नहीं है। थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है छोटे, वैसे देखो इतनी मेहनत से किए हैं अभी सब्सक्राइबर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी यूट्यूब फैमिली है एंड आप सपोर्ट करोगे मुझे पता है। एंड थोड़ा बहुत देखा करो यार वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैंने एक रील डाली है इसके बाद, वो जरूर देखना, वो भैया घर से ले जा रहे थे तो कितना बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं यार, उन्होंने ले लिया बाइक तो अपन ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा सी यू। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में जरूर बताना कि सेल कर दी यार तो बुरा किस किस को लग रहा है, बिकॉज सब जो मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं मैंने कितनी केयर करी है पल्सर 125 की, वो भी मेरे पास जो है। तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा सी यू। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाहे बिना कुछ कर नहीं पाता है। मैं समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकता, और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता।